हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नितीश, वेलकम टू बलिया राइडर यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल हम लोग राइट नाउ बलिया स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और आज हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं। तो अभी ये बलिया स्टेशन है, मिलते हैं आगे ट्रेन वन में। बट देख लीजिए बलिया स्टेशन पे क्या क्या है। 1:54, अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आने वाली है। तो आप कब खाई जाइयो भाई? सुबह 4 बजे। अभी भूख लागल बा? नहीं भाई, अभी कुछ नींद लागल बा भाई। पेपर शॉप का अरेंजमेंट हो? माय गॉड, आई देखो आई पूरा एकदम मिस्टर। भूख लागल बा हो? अभी नहीं, जाएगा रात में। रात में? अरे अभी खा लिया जाए स्टेशन, बलिया स्टेशन पे जाते जाते कुछ कम से कम खाना तो होना चाहिए। डू यू हैव अ पेपर शॉप? एनी टाइम, एनी टाइम। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है हमें, तो ये खुशखबरी सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए यार, बने ही रहिए। क्या भाई लोग बने रहिए ना। कौन है? कहां से आते हैं? पहुंचने वाले हैं हम बनारस, और हालत तो ख़राब हो गई होगी कि इनका और इनका दोनों लोगों का, मतलब सीट नहीं थी ना के बराबर, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। 3 घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन हमारी थोड़ी सी लेट है। और यार आज का मतलब बहुत रफ दिन रहा, और रात तो वैसे भी ख़राब हो गया था। 2 घंटे के ट्रेवल में अपनी खुद की सीट होने के बावजूद देखो कैसे बैठे थे, और देख रहे थे इतना पब्लिक, क्या करें, बैठना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ घंटे हम वेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेन हमारा जो है हरिद्वार के लिए वो है 8:30 पे मॉर्निंग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, 5 बज गया ऑलमोस्ट, तो तब तक देखते हैं क्या करते हैं। चलो स्टेशन घुमाता हूँ बनारस का। ये है खूबसूरती बनारस स्टेशन की, कितना शांत है आप देख सकते हो। ये है बनारस स्टेशन, देख सकते हैं क्या खूबसूरत, क्या बड़ा स्टेशन है। और मॉर्निंग, ये है बनारस का मॉर्निंग व्यू, देख सकते हैं काफी लोग बाहर ही सोए हैं, और क्या खूबसूरत लगता है ना बनारस स्टेशन। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट और लाइक ठोक दो। वेटिंग रूम बनारस का, टॉयलेट है अंदर, तो अंदर नहीं जाऊंगा मैं, वैसे भी इंडियन रेलवे का टॉयलेट अच्छा ही होता है। तो हमारी ट्रेन है जनता एक्सप्रेस, जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आएगी, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। चलिए थकान तो हो चुकी है, चलते हैं जाके यार ट्रेन में सोएंगे आएगी तो। और देखिए अंदर क्या ठंडा है, मस्त। ठीक है भाई, ये बा ऊपर नीचे मिल गया ठीक है। तो आप लोग को सरप्राइज यही मिला कि हमारा टिकट था 3rd AC में, और हम आ चुके हैं अभी 2nd AC, क्योंकि हमारा टिकट प्रमोट कर दिया गया। अरे मैं था यार, ऋषभ क्या कहते हैं, देख ले दो लोग भाई लोग हैं और पहचानते ही। सेकंड एसी में आ गए, तो यहाँ पे खाली काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। अभी हमने लंच ब्रेकफास्ट जो भी बोल सकते हैं वो कर लिया हमने, क्योंकि रात से ही भूख लगी थी और थक चुके हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा। अब बस दबा के सोना है, तो जितना सो सकते, क्योंकि रात कल रात भी नहीं सोए थे और उसके अगले वाले रात भी नहीं सोए थे, कुछ काम था पेंडिंग,
तो अब हम दबा के सोएंगे, फिर मिलते हैं ऐसे ही। 4 बजने वाला है इवनिंग, और अभी हम पहुंच चुके हैं लखनऊ, मतलब आने वाला है, पहुंचा नहीं, और हमारा देखो वर्क चल रहा है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ छोड़ रहे हैं। अभी राइट नाउ 3:33 हो गया, टाइम से बिफोर आ गई है ट्रेन, और हम हरी के द्वार आ चुके हैं, हरिद्वार। तो मज़ा आ गया आने में, और अब हमें नींद आ रही है यार, हल्का फुल्का सोया था फिर उठना, सोया था फिर उठना पड़ा, 1 रात को सोया था मैं, और फिर जल्दी उठ गया, दोनों लोगों ने जगा दिया मेरे को यार। और अब जा रहे हैं अपने रूम पे ऋषिकेश। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, चलो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।